बाबूजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे बाबूजी मजदूरी करते हैं। मैं बहुत पिछड़ी हुई जाति का हूँ और इसी मतलब हमारे ऐसी जाति में ऐसा होना एक मतलब की अविश्वसनीय है। कहते हैं हौसलों में उड़ान हो तो सफर जमाना देखती है। कुछ ऐसे ही कर दिखाया है बिहार के गुदरी के लाल ने। पटना के फुलवारी शरीफ का महादलित छात्र अब अमेरिका में पढ़ाई करेगा। अमेरिका के प्रतिष्ठित लाफायेट कॉलेज ने उसे छात्रवृत्ति के रूप में 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस घोषणा से पूरे गोनपुरा गांव खुश है। यहां के गोनपुरा गांव का 17 वर्षीय प्रेम कुमार के पिता जीतन मासी मजदूरी करते हैं। माँ कलावती देवी का 10 साल पहले निधन हो गया था। प्रेम अपने 5 बहनों में इकलौता भाई है। उसने बताया कि उसने 2020 में घोषित समाधान केंद्र उड़ान टोला दानापुर से मैट्रिक पास की। इसी कॉलेज से उसने 2022 में साइंस से इंटर की परीक्षा दी है। प्रेम पिछले 4 साल से पटना के एक ग्लोबल संस्थान से जुड़कर पढ़ाई कर रहा है। संस्थान के द्वारा कुछ दिन पहले उसे सूचना मिली कि अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉलेज लाफायेट में उसका सिलेक्शन हो गया है। कॉलेज द्वारा स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए उसे 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली है। प्रेम भारत में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला महादलित छात्र होगा। वह दुनिया के 6 छात्रों में से एक है जिसे लाफायेट कॉलेज से प्रतिष्ठित डायर फेलोशिप प्राप्त होगी। लाफायेट के अनुसार यह फेलोशिप उन चुनिंदा छात्रों को दी जाती है जिनमें दुनिया की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आंतरिक प्रेरणा और प्रतिबद्धता हो। प्रेम बिहार के महादलित मुसहर समुदाय से आता है। उसका परिवार बेहद गरीब है। कॉलेज जाने वाला वह अपने परिवार का पहला सदस्य है। लाफायेट कॉलेज से वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करेगा। 4 वर्षों तक उसकी पढ़ाई और रहने खाने का पूरा खर्च कॉलेज वहन करेगा। सर मुझे तो काफी खुशी महसूस हो रही है, इसलिए नहीं कि मैं अमेरिका में हुआ, बस कि इसलिए कि मैं बहुत पिछड़ी हुई जाति का हूँ और इसी मतलब हमारी ऐसी जाति में ऐसा होना एक मतलब कि अविश्वसनीय है, क्योंकि आज तक हमारे समाज में अभी तक हुआ नहीं है और इस तरह की उपलब्धि हमारे समाज में अभी तक किसने किया भी नहीं है। तो शायद ये मैं देश का या मैं भी अपने समाज का वो पहला बच्चा हूँ या विद्यार्थी हूँ जो इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। और ये इसलिए ये एक तरह के मिराकल है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की उपलब्धि मुझे जिंदगी में कभी हासिल होगी। और ये सब तभी संभव हो पाया जब बाबूजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे बाबूजी मजदूरी करते हैं, जो मतलब जो भी उनका डेली। और घर में कौन कौन लोग हैं? घर में बाबूजी हैं, चाचा जी हैं, नानी हैं और मेरी 4 बहनें हैं और 2 भांजा हैं और मैं हूँ। पढ़ाई का प्रेरणा कहाँ से मिला है? इतना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आपकी, आपके अमेरिका में सिलेक्शन हुआ है। प्रेरणा स्रोत तो इससे बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बचपन से काफ़ी मेहनती था और मैं पढ़ने में रुचि भी रखता था। तो मुझे पढ़ने का मतलब रुचि और ये अच्छे करने का उपलब्धि मैंने मतलब हमारे देश जितने भी जो ग्रेट आदमी ग्रेटेस्ट पीपल हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम और जैसे वर्गीस कुरियन, ये सब हमारे देश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मतलब देश में कुछ ऐसे योगदान दिए हैं जिसके बिना हमारा मतलब कि हमारा जीवन यापन या इसलिए मतलब रहना हमारा काफ़ी कठिन होता। तो ऐसे ही अपनी वो शिक्षा के माध्यम से हमारे देश में मध्य देश में उन्होंने काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हीं को मैं आगे मतलब क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में आगे पढ़ाई करके? सर मैं अपने जीवन में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं शिक्षा की क्षेत्र में भी अपने समाज के लिए अपने समाज के बच्चों के लिए मैं उसे मतलब कि कुछ काम करना चाहता हूँ। अपने समाज के पीछे जो आपका समाज है हाँ उनके परिवार के बच्चों के लिए उनके लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारी सक्सेस है वो एक दिन में नहीं आती है, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। लोग इस सिर्फ इस ये ना देखें कि सिर्फ ये एक दिन में वो मतलब उपलब्धि हासिल होती है, बल्कि ये कंसिस्टेंट आप रहें, मेहनत करें और जो भी कर रहे हैं वो ये अपने तहे दिल से कहें कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पूरी मान प्रतिष्ठा और मैं पूरी दिल लगाकर कर रहा हूँ। दिल लगा कर पढ़िएगा तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल ना, यही संदेश आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ सर। पापा का? पापा का मेरे पिताजी का नाम श्री जीतन मान जी है। श्री जीतन मान जी है ना? जी सर। जीतन मान जी लक भी है आपके यहाँ के, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ वो रहे हैं सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।